जितना ही पीते हो आगे लेके तो आदत अपनी खराब करो। मेरी पीने से तो कोई फायदा है नहीं, मैं कभी झूठ मूठ कर लेकर जाती हूँ, खर्चा भी बढ़ जाएगा और तनख्वाह कम मिलेगी। तुम 150-200 रुपए इस पर खर्चा करोगे और भी ज्यादा हो सकता है मेहमानों में, तो एक और भी भार आप पर पड़ेगा। वो भी जितना खर्चा कम करो, जितने मेहमान कम करो उतने खर्चा कम। तो आपके लिए ये आदत खराब है। क्यों आप खराब आदत डालते हो? जो जरूरी है, खाना है, कपड़े हैं, इनको आप अच्छी तरह से खाओ, पियो, कौन मना करता है? खराब मत पीना और ना खाने। और सच्चा रास्ता आपको बताता हूं, 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट तो मेहनत मनुष्य होते हैं। दरवाजे पर जो जीवात्मा का दरवाजा वहां पर कहा और दरवाजे को ऐसे लटकाना तो वो भगवान आवाज देगा कि मैं इधर हूं। उसकी आवाज आएगी, उसकी बोली आएगी, उसका वाजा आएगा। जब सुनाई देगा तुम्हारे काम पाप हो जाएंगे और जीवात्मा के कान खुल जाएंगे। फिर वही कान रेजवाणी आकाशवाणी वस्तुओं की मंदिर में मरने के पहले सुनने लगेंगे। तो भूत और भविष्य और वस्ताओं का ज्ञान जब कान खुल जाएंगे तो होने लगेगा। किसी बात को पूछना है देख मिनट तो उसका उत्तर सेकंड और छाव भी नहीं लगेगा, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। उसी आवाज के उसी वाणी के बेजवाणी के सुनने और प्रश्न के कर उत्तर मिलेगा, तुरंत उत्तर मिलेगा। फिर आपसे जो बोलता है आप हो जाएगी दिखाई देगा कि भाई कौन बोलता है। आपने कुछ कर भी दिया उसने उत्तर दे दिया तो उत्तर देने वाला कौन है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। और प्रश्न करने वाला कौन ये शरीर नहीं, फिर प्रश्न वो जीवात्मा जो उसकी चेतन है वो प्रश्न करेगी, वो भी आप देखोगे। तो ये दर्पण है सीता, जब सीता पाक हो जाता है ये आंखों के अंदर बाहर की आंखों के अंदर और अंदर की आंखों के अंदर की आंख के सामने सीता लगा है। जब वो गंदा हो गया तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही वो सीता जो साफ हो जाएगा तो फिर जब दिखाई देगा तो इतना जोर का चमकता है कि इतनी चमक सूरज और चारों सितारों में नहीं, ऐसा वो चम 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 करता। जब वो शीशे में जब आप अपना वास्तव लो, वो चेतन हो, फल हो, फल हो, जो परमात्मा का वही आत्मा का जब उस दर्पण में आप जब रूप देखोगे तब आपको अपना बोध हो जाएगा अपनी आत्मा का। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मबोध के मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं सोना चांदी नहीं हूं, मैं जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं हूं, मैं चेतन हूं। जब आपको अपना बोध होगा तभी तो उसका बोध होगा। जब खुद की खबर नहीं तो खुदा की खबर क्या होगी? तो दर्पण है लेकिन गंदगी के कारण फर्ज हो गया। आप उसी गंदगी को युक्ति जतन से जो महात्मा बताते हैं उसको करके काम कर दो तो दृष्टि खुल जाएगी। जब वो दृष्टि खुलेगी तो फिर ऊपर की चीज दूंगी उसी दर्पण में दिखाई देती है। तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो शीशे की जितनी चीजें होगी आपको शीशे में दिखाई देगी। तो इतना ऊंचा सीता लगा है, इतनी ऊंचाई पर सीता है कि नीचे की सब चीजें उसमें दिखाई देती है, जितने भी चीजें होगी साफ दिखाई देगी। ये राकेश वगैरह जितने भी वो घूम रहे हैं वो शीशे में सब दिखाई देते हैं, यहां की सब चीजें दिखाई देती हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो दिखाई देती है, लेकिन सीधा साफ होना चाहिए। और वो शीशे में सबसे पहले अपनी खगर कि मैं जैसा सुना हूं ऐसे कोई भी चीज आपको सुंदर नहीं, ऐसी सुंदरता को सोची भी थी किसी चीज पर नहीं चाहिए चीज बना दी है। ये जीवात्मा फुलों की भी सुंदर, खूबसूरतों की भी खूबसूरत ऐसी, और ये देखती है उसी से दर्पण है। लेकिन क्यों मुनियों ने साधना करके साफ किया और
क्यों है कि अगर देश बचाने वाला इसराइल या सृष्टि आगे नहीं जा सकते हो, आगे देश बताएगा तो आगे चले जाओ, उसके आगे देश बताएगा तो आगे चले जाओ, उसके भी आगे बताएगा तो आगे चले जाओगे, तो जो जहां तक जाता है वहां तक तो ले जा सकता, लेकिन आगे जा नहीं जाता तो क्या ले जाए। तो चीज आपके सब चीज पास में है, महात्माओं से चीज मिलेगी उसे देखो, ये जमाना सोना चांदी इसको नहीं देते। कौन से राजे आए कबीर दास के सामने एक तरफ पर उस जमाने में उनके वक्त में खरबपति थे, 700 वर्ष करीब हो गए उस समय खरबपति थे और बड़ी बड़ी नौकाओं पर देश व्यवहार होता था। तो कबीरदास जी ऐसे घूमते हुए काशी में गए तो धर्मदास की स्त्री अंदर थी तो उन्होंने जोर से आवाज की कोई घर में है, तो उसकी आवाज को सुनकर के वो औरत आई। धर्मदास की तो आते ही उन्होंने कहा अरे शानदार सुनते और पापे तेरी सजा को देकर के तेरे पाप लगेगा और तेरे चौके में लकड़ियों में भी मर जाएगी। बस उसने उन्होंने तो ये कहा उसने जाओ ऐसे अपने साधु महात्मा मौत दे दिए तो गौरव ने डाल दिया और कुछ चली गया था। गौरवदास जी बैठे थे कि भाई किसकी बात हो रही थी, कहने लगे किसी ने भी चारदार कैसा कैसा फासिल हो सकते और कहता है कि चौके में लकड़ी में जीवन जल रही। तो धर्मदास जी उसे बड़े विचार थे, उन्हें चौके में गए तो लकड़ी में दीमक लगी हो जाए कहने लगे वो बड़े सोचे हुए महात्मा थे और तुमने ये क्या कर दिया और वो किधर गए बाहर आए चले गए वो इधर थे और बेचारे दौड़े बाहर तो दौड़ करके गए उधर तो निकल गए उस गली से उस गली से उस गली से उस गली में गए मालूम हुआ उधर चले गए उस गली से निकल के गांव में चले गए दूर आए। पूछा भाई जब कोई साधु गया कह रहे साधु तो लोग गए लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कबीरदास थे वो रोते रहे नहीं घर में रोज जा रहे तो रोटी न खा इतने घर घर में खानो खाना चले क्या है चौके में दीवार चल रही थी और हम बहुत बड़े पापी हैं और वो महात्मा सब कुछ जानने वाले थे चले गए हमको खाना अच्छा नहीं लगता फिर गए दूध इधर गए मालूम हुआ उधर गए नहीं गए तो इतने में कहा है तुम क्यों घबराते हो तुम्हारे पास गुड़ रहेगा तो सीधे आ जाएंगे तुम्हारे पास करो भंडारा करो सारे हिंदुस्तान के साधुओं को बुलाओ आ जाएंगे बड़ा लाखों रुपया बनाया सस्ते के जमाने में भंडारा किया बड़े बड़े साधु जगह भारी आए और उसके उनको और बड़ी खोज और तलाश उनकी हुई पूछा गया इसमें मिले कह रहे लोग खा पी करके चले गए प्रकाश तो घबराते हो फिर भंडारा करो आ जाएंगे फिर भंडारा किया फिर भंडारा किया तब तक समुद्र में एक तूफान आया वो जो नाव चली आ रही थी माल भरी सब डूब गए और वो रुपये का उनका नुकसान हो गया उनको खबर मिल गई कि सब नाव मार के सारे डूब गए और नाव क्या तो व्यापार भी गया और पैसा भी गया और महात्मा भी नहीं मिले तो चलो आप भाषा कर रहे नदी के किनारे गए नदी के किनारे ऊपर टीले में चल रहे कबीरदास जी नीचे और वो ऊपर टीले पर चल के गिरने वाले थे तब तक उन्होंने आवाज दिया कौन है तो उनकी आवाज को जब सुना तो स्त्री से पूछा देखो कौन आवाज दे रहे चल के लिए वही मालूम हो रहे जो हमारे घर पर है उन्होंने दायर किया उतर आए तो स्त्री ने सोचा कि नहीं तो वही है तो धर्मदास ने कहा कि महाराज जी मैंने इतना आपकी खोज और तलाश की आप क्यों नहीं मिले कह रहे कि वो अगर चीज करे वही बात उनको याद आई कि पैसे होंगे तो चीजें चले आएंगे
उन्होंने कहा कि वो फैसले किसी से नहीं होते, ऐसा तो तुम्हारा खत्म हो तो गिर पड़े चारों में और गिर कर जो खड़ो होने ऐसी है तो खा किसी तालियां सेवा की और कभी दास्तों को पहुंचा दिया। ये पैसे से नहीं जो आप समझते हो कि हम पैसा हम बहुत चतुर हैं बड़े पढ़े लिखे हमारे पास बहुत पैसा है बहुत सोना है और आपको मिल जाएंगे सच में दौलत। ये तो दौलत उन महापुरुषों के पास इसका खजाना है प्रेम से ये दया उसको ले लीजिए और सबको समय थोड़ा इसको दे दीजिए यही आपका पुनोदय हो गया इसका उपयोग कर लो तो आप नामदार ले लो और घर में लेट के बैठ के थोड़े काम जब भी आपको समय मिल जाए कर लो लेकिन करना आपको जरूर होगा करोगे तो पाओ और नहीं करोगे तो आप करो और मैं भी करूं आप भी मेहनत करो मैं भी करूं और उसकी कृपा हो जाए तो काम सुलभ हो जाएगा। आप मेहनत नहीं करो हम भी करेंगे उसकी दया होने वाली नहीं दोनों मेहनत करें तो जल्दी कृपा हो जाएगी और काम तो पहले आप नाम ना ले लो जो जो मैं भगवान का नाम बोलूंगा और करूं ये साथ बोले उनकी अगर दोस्त होगी आप जो भी बताओ उनकी अगर दोस्त होगी तो पता चलता है तो कमाल के रखा इसको बराबर लेते रहो और ये रामदास जो आपको मिल गया वो थी इसको ले जाओ और आगे से इसको शुरू करना दो मिनट आपको समय मिल जाए आप बंद करने में किसी को मालूम क्यों कि आप तो बंद की और ऐसे बंद करके बाहर से कुछ नहीं देखना अंदर देखती को एक आगे करने लगो देख लेना लेकिन अगर भजन करोगे सबके सामने कि आप भी बंद की और ऐसे बंद किए तो कहेगा कि ये देखो क्या कर रहा ये पागल तो तुम कहोगे भजन कर रहे ये कैसा भजन तो ये छुपा के करना ऐसे भजन छुपा के करना कहीं एक आम चंद्र हो लेना चंद्र रजाई हो लेना ऐसे सबके सामने नहीं ऐसे तो सबके सामने कर सकते हो और ऐसे भी सबके सामने कर सकते हो किसी को मालूम क्या कि कितना सुमरण हो रहा है इस तरह से बैठ के करना कितना ध्यान होगा लेकिन भजन नहीं भजन में मजाक करें वो बात सही है तो आप आज ही से लिपट कर याद करके भजन करना शुरू कर दो आज ही से और अब आपको इजाजत आज से दी जाती है इस समय से कि जिसको बस से जिसको मोटरसाइकिल से और ट्रेनों से और कारों से जैसा जिसका समय मिले वो जल्दी से जल्दी प्रस्थान करें ताकि आपको वहां जाकर के वो फिर वो 1180 दिन और 8000 किलोमीटर की वो जो काफिले की वो यात्रा है उसकी तैयारी कर और जल्दी से जल्दी उसमें प्रवेश सम्मिलित हो रहा है जो यहां सम्मिलित होंगे कार्यवाही तैयार हो जाएंगे